मिर्च के बड़े बड़े डंडे, उनके ऊपर मिर्चें लगा के ना दिन में 2 दफा उनको उनके सेंसिटिव ऑर्गन्स के अंदर उनको घुसेड़ा गया है। हमें पता है कि किस तरह का थर्ड डिग्री टॉर्चर हुआ करता है। फिर इसके ऊपर मोहर मोहरे तस्दीक शब्द कर दी गई ये कहकर कि इनका जिंसी इस्तेसाल भी हुआ है, यानी वहां पर मौजूद जो मुच्छड़ थर्ड क्लास सिपाही थे उन्होंने गौल दर गौल मुबैना तौर पर गिल साहब के साथ जिंसी बदफेली। एक तरफ जहां पीटीआई ने खुद इल्जाम लगाया कि शहबाज गिल के साथ जिंसी ज्यादती की गई है, उनके ऊपर जो एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया गया, जहनी जिस्मानी और जहनी टॉर्चर किया गया, उसके साथ साथ उनके ऊपर जिंसी तशद्दुद भी किया गया, उनको बढ़ाना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो एक प्राइवेट न्यूज चैनल के एंकर ने फ्रंट फुट पर आकर ऐसा इंकशाफ किया कि बॉल स्टेडियम से बाहर ही चली गई। मिर्च के बड़े बड़े डंडे, उनके ऊपर मिर्चें लगा के ना दिन में 2 दफा उनको उनके सेंसिटिव ऑर्गन्स के अंदर उनको घुसेड़ा गया है। हमें पता है कि किस तरह का थर्ड डिग्री टॉर्चर हुआ करता है। फिर इसके ऊपर मोहर मोहरे तस्दीक शब्द कर दी गई ये कहकर कि इनका जिंसी इस्तेसाल भी हुआ है, यानी वहां पर मौजूद जो मुच्छड़ थर्ड क्लास सिपाही थे उन्होंने गौल दर गौल मुबैना तौर पर गिल साहब के साथ जिंसी बदफेली। उसके बाद इस एंकर साहिब के साथ क्या हुआ देखिए। नहीं नहीं बात सुन लेते हैं इसमें क्या। हाँ जी मुझे नंगा किया गया, मेरे कपड़े उतारे, मेरे चपेटे मारी गई हैं, और इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रांजिट इस वक्त मेरा रिमांड लिया है कराची से इस्लामाबाद ले जाने के लिए। मेरी फैमिली को पता नहीं है, मेरे चैनल को पता नहीं है, आप प्लीज ये बात पहुँचाएं। आप बिल्कुल परेशान नहीं, पूरी कौम आपके साथ है, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, आप के मिर्च के बड़े बड़े डंडे, उनके ऊपर मिर्चें लगा के ना दिन में 2 दफा उनको उनके सेंसिटिव ऑर्गन्स के अंदर उनको घुसेड़ा गया है। डर किसी ना किसी कोने पे मुझे कोई डर नहीं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, माजद के साथ यतीमी में पला हूँ, मेरे दोनों पेरेंट्स नहीं थे, मैं अकेला हूँ, अकेला रहता हूँ, कोई गार्ड नहीं है मेरे पास, इनकी हिम्मत है तो आके दिखा। अब तैयार है, मैं तैयार किया, मैं इनके घर में घुस के मारूं। और ये मुरम्मत आप करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल करूंगा, मैं कहता हूँ मुझे आके कन्विंस करें कि तुम गलत बात कर रहे हो, मैंने कोई गलत बात नहीं की, कन्विंस करें ना, मुझे कन्विंस करें, या फिर मेरे साथ चाय पे बैठे मैं कन्विंस करूँ, और मैं कन्विंस कर दूंगा। मेरी फैमिली को पता नहीं है, मेरे चैनल को पता नहीं है, आप प्लीज ये बात पहुँचाएं। आप बिल्कुल परेशान नहीं, पूरी कौम आपके साथ है, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, आप बहादुरी का मुजाहरा करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान। They are the guy. They kidnapped me from Karachi and they are taking me to Islamabad. World television pe national debates Pakistan ka leading show just because I support Imran Khan. These guys arrested me, kidnapped me for last 36 hours. Aap sab please. जबकि दूसरी जानिब शहबाज गिल ने इन तमाम इल्जामात की तर्दीद कर दी है। आजादी इजहार राय का हरगिज ये मतलब नहीं कि जो दिल करे बोल दो, बल्कि एक मुस्तनद सहाफी का काम है कि पहले खबर की तस्दीक करे और फिर उसे मंजरे आम पर लाए। वैसे भी सियाणे सही कहते हैं, पहले तोलो और फिर बोलो, वरना नहीं बात सुन लेते इसमें क्या। हाँ जी Just because I'm speaking here, right है। कोई बार भी एयरपोर्ट के अंदर नहीं बना। बार चल गया। मुझे नंगा किया गया। मेरे कपड़े उतारे, मेरे चपेटे मारी गई हैं। और इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रांजिट इस वक्त मेरा रिमांड लिया है कराची से इस्लामाबाद ले जाने के लिए। मेरी फैमिली को पता नहीं है, मेरे चैनल को पता नहीं है। आप प्लीज ये बात पहुंचाएं। आप बिल्कुल परेशान नहीं,
पूरी कौम आपके साथ है, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, आप बहादुरी का मुजाहरा करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।